अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को शौक से देखते हैं एंड लाइक एंड शेयर करते हैं। मैं मोहम्मद आरिफ आप लोगों के साथ हूँ और आज ही कुछ हमारी बकरी एक ने बच्चे दिए हैं, दो बच्चे माशाल्लाह से, तो दोनों ही प्योर राजन पूरी गुलाबी, एक प्रिंटों में है एक गुलाबी है। वीडियो को जो है ना आप लोगों ने देखना है, तो मैं आप लोगों को वह मालूमात भी देता हूँ कि ये जो बकरी पैदा करती है बच्चे, और उसके बाद जो है ना जब ताज़ा जैसे ताज़ा ही बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, और वो मैं आप लोगों को जो है ना वो बताता हूँ। वो वीडियो को आप लोगों ने देखते रहना, इंशाल्लाह से कुछ ना कुछ तो मालूमात आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी इंशाल्लाह से। ये राजनपुर की प्योर ब्रीड है, छोटी टेढ़ी ब्रीड, तो माशाल्लाह से देख सकते हैं, आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितना छोटी गोट है। और इसने दो बच्चे दिए, तीन तीन बच्चे भी ये देती हैं, और इसने जो है ना दो बच्चे दिए हैं माशाल्लाह से, आउट क्लास आला चीज़ें हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। और आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जो है ना कान बिल्कुल सीधे करने चाहिए। पहले पहले जो है ना आप लोगों को बकरी के आगे जो है ना बच्चे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके मतलब इस पर जो भी लगा हुआ है पानी वगैरह है ना, बकरी जो है ना खुद इसको साफ़ कर ले बच्चे को, तो वो फिर जो है ना जाके बच्चे को दूध भी अच्छा देती है और जो है ना अच्छे तरीके से इसको पालती है। और दूसरी वो बात आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो आप लोगों को पहले तो बकरी को छोड़ देना चाहिए, बकरी इसको साफ़ करे वगैरह, मतलब ये जैसे कर रही है साफ़ आप देख सकते हैं। तो उसके बाद दूसरी स्टेप ये है कि कानों को जो है ना साफ़ बनाना चाहिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कानों को ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो कान बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। बाल दफ़ा कुछ कान जो होते हैं वो सही तरह से सीधे नहीं होते इस बनाने की वजह से, तो आप लोग इनको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, क्योंकि छोटे हैं तो ये सीधे हो जाते हैं। तो बाकी भी मालूमात बताता हूँ आप लोगों को, सारी की सारी जो है ना इस वीडियो में तफसीला देता हूँ। ये देखें, ये जो है ना ऐसे इनको करना चाहिए, और ऐसे करके जैसे कि देख सकते हैं ये भाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही सेम आपने ऐसे करना है जैसे बच्चा बकरी ने पैदा करना है। उसके तकरीबन पाँच मिनट के ठीक 5 मिनट के बाद जी आप करेंगे तो इसके जो है ना कानों में जो है ना कोई इन्फेक्शन नहीं आएंगे। तो अभी इसने एक बच्चा दिया है, अभी दूसरा बच्चा पैदा करेगी, अभी जो है ना तकरीबन हीट कम हो चुकी है बकरी में, तो कुछ ही टाइम में तकरीबन 5 मिनट के बाद ये बच्चा देगी। और मुश्किल होता है पहला बच्चा, ये पहला बच्चा जो है ना मुश्किल में पैदा हुआ, और दूसरा बच्चा है ना वो बिल्कुल मुश्किल में पैदा नहीं होगा, वो बिल्कुल आसानी से पैदा हो जाएगा। दिखाता हूँ आप लोगों को अभी जो है ना बकरी है, अगर कोई बच्चे को मतलब जन्म में कुछ मसला हो रहा है तो इसका जो हवाना है उस तरफ बच्चे को थोड़ा थोड़ा खींचना चाहिए, तो इसका तरीका होता है, क्योंकि फिर जो है ना बच्चा अपनी लेवल से आता है और सुकून के साथ किसी भी तंगी से। ये देखें जैसे बच्चा पैदा हुआ तो इसकी माँ के सामने छोड़ दिया, अभी इसको देख सकते हैं आप, इसको जो है ना अभी साफ़ करेगी, और जो है ना साफ़ करने सामने छोड़ने का मतलब ये होता है अगर ये मतलब साफ़ करेगी ये सब कुछ इसका जो है ना वगैरह वगैरह जो लगा हुआ है ये खुद से साफ़ करेगी, तो फिर जाके जो है ना इसको दूध दिया करेगी और बच्चे को जो है ना तंदुरुस्ती के साथ ये दूध देगी। और इसको पता हो कि मेरा एक बार और ऐसा नहीं करती, तो इस बच्चे की भी जैसे कि बच्चा पैदा हुआ है इसके कान भी आप लोगों को बताता चलूँ, देखते चले आप, इसको भी ऐसे ही बनाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई मतलब कुछ भी ना हो सके। आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, बाकी इंशाल्लाह से चीज़ आप चेक कर सकते हैं, ये चीज़ बिल्कुल राजस्थान की टेढ़ी ब्रीड है और बच्चे इसमें बिल्कुल अच्छे दिए हैं। आपको बच्चे भी दिखाते हैं, बच्चे आप लोगों ने देखते रहना है इंशाल्लाह से वीडियो में, इंशाल्लाह से आप लोगों को मज़ा आएगा। बच्चे भी आप देखें, अगर आप लोग देखना चाहते हैं राजनपुरी ब्रीड वगैरह वगैरह कुछ भी राजनपुरी बकरे बोल रहे हैं संतरे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बाहर सेल के लिए होते हैं। अगर आप लोग सेल परचेज करना चाहते हो, शॉप के लिए रखना चाहते हो, या आप लोग खुद के लिए कोई दूध के लिए इंशाल्लाह से ले सकते हैं। राजनपुर की जो ब्रीड है देख रहे हैं बिल्कुल छोटी बकरी है, इसने दो बच्चे दिए और तीन तीन बच्चे भी ये बकरियां देती ही रहती हैं अक्सर औकात, देख सकते हैं आप। बच्चे जो है ना बड़े कानों में हैं और ज़बरदस्त, एक बिल्कुल गुलाबी बच्चा पैदा हुआ है, एक प्रिंटों में बच्चा पैदा हुआ है। तो इस पर राजनपुरी मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, आप लोग राजनपुर की देसी ब्रीड लें और उन पर जाके प्योर राजनपुरी बकरा ब्रीडर छोड़ें, तो इंशाल्लाह से इनकी
ब्रीड जो है ना आप लोगों के सामने है और ब्रीड इनकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, अच्छी होगी और हाइटेड बच्चे होंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, इंशाल्लाह वीडियो में आप लोगों के बच्चे दिखाते हैं। अभी ये देखिए छोटा छोटा बच्चा है, अभी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत प्यारे की